नमस्कार, वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर के प्रादेशिक मनोरुग्णालय में सुरक्षा गार्डों का दारू पार्टी करता हुआ वीडियो वायरल, वैद्यकीय अधीक्षक ने लगाया कारण बताओ नोटिस, सुरक्षा पर लगे प्रश्न चिन्ह। नागपुर ग्रामीण के उमरेड में बाघ के नाखून और दांतों की तस्करी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। और नागपुर में रेलवे पुलिस फोर्स की गिरफ्त में 9 टिकट दलाल। और अब खबरें विस्तार से। सरकारी कार्यालयों के कबाड़ में अक्सर शराब की खाली बोतलें मिलती है। कुछ वर्ष पहले जिला परिषद इमारत की छत पर भी दारू पार्टी की घटना चर्चा में रही थी, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले ही यदि नशे में रहे तो फिर किससे उम्मीद की जाएगी। इसी तरह की घटना प्रादेशिक मनोरुग्णालय के सामने आई है। दरअसल सुरक्षा रक्षकों का दारू पीता हुआ एक वीडियो वायरल हुआ है, इसके बाद ही घटना का पता चला है। प्रादेशिक मनोरुग्णालय में सुरक्षा रक्षकों द्वारा ड्यूटी के दौरान दारू पार्टी करने का एक वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। अस्पताल के वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर पुरुषोत्तम माडवी ने इस मामले में संबंधित रक्षक व कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रादेशिक मनोरुग्णालय अक्सर मरीजों की मौत को लेकर चर्चा रहता है, इस बार सुरक्षा रक्षकों की वजह से चर्चा में आया है। वर्तमान में अस्पताल में करीब 500 स्त्री व पुरुष मरीज उपचार ले रहे हैं। अस्पताल में वार्ड की ओर जाते समय मुख्य प्रवेश द्वार पर गार्ड रूम है। इन सुरक्षा रक्षकों की जिम्मेदारी वार्डों में भर्ती मरीजों और कार्य करने वाले स्टाफ के सुरक्षा की है। वार्ड के अंदर कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना अनुमति नहीं आ सकता, लेकिन सुरक्षा रक्षक ही शराब के नशे में रहेंगे तो फिर सुरक्षा कैसी होगी, यह सवाल खड़ा हो गया है। प्रादेशिक मनोरुग्णालय 42 एकड़ परिसर में फैला हुआ है, इसकी तुलना में केवल 12 सुरक्षा रक्षक तैनात है। एक शिफ्ट में 3 सुरक्षा रक्षक ड्यूटी पर होते हैं। चौथी रोटी है? हाँ, चौथी रोटी है। नहीं, रोटी है, चावल लेना। हाँ, ये गर्म ही से चावल है, गर्म चावल। और अपना डब्बे में है ना, पूरा गर्म ही रहता चावल रोटी है, गर्म। नागपुर प्रादेशिक वन विभाग के उमरेड दक्षिण वन परिक्षेत्र के यूनिट ने उमरेड शहर के एसटी बस स्टैंड के पास छापेमारी कार्रवाई करते हुए बाघ के नाखून और दांत की तस्करी करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस छापेमारी में एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि बाघों का शिकार करने और उनके अवयवों की तस्करी करने वाले गिरोह सक्रिय है।
उमरेड शहर से सटे उमरेड करंडला वन जीव अभयारण्य होने से वन विभाग की इस छापामारा कार्रवाई को महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। बताया गया कि उमरेड शहर के सिटी बस स्टैंड के पास नागपुर प्रादेशिक वन विभाग के उमरेड दक्षिण वन परिक्षेत्र के यूनिट को बाघ के दांतों की बिक्री होने की गुप्त जानकारी मिली थी। पहले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ के बाद अन्य दो आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया। आरोपियों में चंद्रपुर जिले के नागभीड़ तहसील के खड़कला निवासी ताराचंद महादेव नेवारे राजू कुलमे थे, खड़कला वाडोना ग्राम निवासी दिनेश कौटू कुंभले, अजय राजू भानारकर पलस गांव सोनपुर निवासी प्रेमचंद वाघाड़े का समावेश है। इन सभी पांचों आरोपियों को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की विविध धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। बाघ के अवयवों की तस्करी की घटनाओं से साफ हो गया है कि विदर्भ में कोई गैंग सक्रिय है। बाघों का शिकार करने के बाद उसके अंगों को बेचने वाले भी एक दूसरे से मिले हुए हैं। भले ही वन विभाग इस कार्रवाई को अपनी उपलब्धि माने, लेकिन सही मायने में यह वन विभाग की नाकामी है। बाघों का शिकार हो रहा है और विभाग के अधिकारी केवल अवयव जब्त करने की कार्रवाई ही कर रहे हैं। चोरी का हुनर कई बार दूसरों की आंखों में धूल झोंकने के काम तो आता है, लेकिन कई बार पकड़े जाने पर मुसीबत भी बन जाता है। डागा अस्पताल में हर दिन मरीजों की भीड़ में खड़ी होकर चोरी करने वाली एक महिला को तहसील पुलिस के डीबी स्क्वाड ने पकड़ा। पूछताछ में उसने बताया कि वह पिछले 6 महीने से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रही थी। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार जैसे कोई मरीज अस्पताल में इलाज के लिए जाता है, उसी तरह बिना की मंगलवारी जामदारवाड़ी निवासी नेहा शेखर सोलंकी हर दिन डागा अस्पताल में जाती थी। कभी किसी महिला का पर्स तो कभी मोबाइल चुरा लेती थी। उसकी शातिर हरकतों का पता उस वक्त चला जब माँ आम्बेनगर पारडी निवासी रुपेंद्र साहू अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल लेकर गए थे। जांच के दौरान रुपेंद्र की पत्नी ने अपनी बैग पास के टेबल पर रख दी। इसी दौरान अज्ञात आरोपी ने बैग चोरी कर ली। रुपेंद्र ने मामले की शिकायत तहसील पुलिस से की। पुलिस ने निगरानी के साथ जांच पड़ताल शुरू की। इसमें नेहा मरीजों की भीड़ में संदिग्ध तरीके से नजर आई। कस्टडी में अधिक पूछताछ करने पर नेहा ने बताया कि वह पिछले 6 महीनों से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रही थी। चोरी के पैसों से अपने शौक पूरे करती थी। पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली। 4 हैंडबैग और विभिन्न कंपनियों के 5 मोबाइल फोन बरामद हुए। 8 सिम कार्ड भी पुलिस ने जब्त किए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल में रेलवे सुरक्षा बल ने रेल टिकट दलालों के खिलाफ 22 और 23 नवंबर को अभियान चलाकर 9 दलालों को गिरफ्तार किया है। SECR रेल विभाग द्वारा चलाए गए इस विशेष अभियान में RPF ने भंडारा में 2, गोंदिया में 2, डोंगरगढ़ में 1, रांजनगांव में 1, छिंदवाड़ा में 1 और नैनीपुर में 2 सहित कुल 9 मामले दर्ज किए। इनमें 9 लोगों पर रेल अधिनियम की धारा 143 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। इस दौरान आगामी यात्रा टिकट 7, पुरानी यात्रा टिकट 103 सहित कुल 1,47,977 रुपए की टिकट जब्त की गई। साथ ही अवैध टिकट बनाने में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप, मोबाइल भी जब्त किए गए। सभी 9 आरोपियों को रेलवे न्यायालय में पेश किया गया। कमांडेंट पंकज चुग ने यात्रियों से काउंटर या अधिकृत एजेंट से ही टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा करने की अपील की है। मौदा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले वाठोड़ा में कार चालक का नियंत्रण छूटने से अनियंत्रित तेज रफ्तार कार सड़क पर ही पलट गई और इस हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल होने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई, तो वही कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि घनश्याम शंकर भाई पटेल वाठोड़ा नागपुर कार चालक मृतक का नाम है, तो वही अनिल जयंती भाई पटेल इतवारी नागपुर और शशिकांत भिकुबाई पटेल छापरू नगर नागपुर निवासी घायलों के नाम है। घटना के दिन यह तीनों कार से मौदा की ओर जा रहे थे। घनश्याम पटेल यह कार चला रहे थे। दरमियान वाठोड़ा के पास चालक का कार पर से नियंत्रण छूटा और कार अनियंत्रित होकर मोड़ पर पलट गई, जिससे चालक घनश्याम पटेल की मौके पर ही मृत्यु हो गई और कार में सवार अनिल पटेल और शशिकांत पटेल दोनों जख्मी हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौजूदा पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को उपचारार्थ अस्पताल भेजकर मृतक का शव पोस्टमार्टम हेतु रवाना किया। इस मामले में मौदा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन बन रही है आप हमारे साथ। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले,
खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। विदर्भ में प्रकृति ने वन प्रचुर मात्रा में दिए हैं, लेकिन अब वनों में रहने वाले प्राणी लोगों के लिए खतरा बनते रहे हैं। वन्यजीव और मानव के बीच बढ़ रहे संघर्ष ने फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच चंद्रपुर जिले के पोंभुर्णा वन परिक्षेत्र अंतर्गत कसरगट्टा बीट के विटबोली खेत में कपास चुनने गई महिला पर बाघ ने हमला किया, जिसमें महिला की मृत्यु हो गई। यह घटना बुधवार को दोपहर करीब 2 बजे हुई। बताया गया कि कसरगट्टा निवासी बेबी हनुमान धोरडे कसरगट्टा गांव से लगे कविट बोली में गंगाराम मोहन धोड़के के खेत में कपास निकालने का काम कर रही थी, तभी बाघ ने महिला पर हमला कर दिया। घटना की जानकारी वन विभाग अधिकारी को दिए जाने पर वे घटनास्थल पर पहुंचे। पिछले 4 दिनों में यह दूसरी घटना है। 4 दिनों में ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल में महिला वन रक्षक स्वाति डुम ने ड्यूटी करते समय माया नामक बाघिन ने हमला किया, जिसमें स्वाति की मृत्यु हो गई थी। लगातार हो रही घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है। बताया जाता है कि संरक्षित व असंरक्षित जंगल में बाघों की संख्या बढ़ रही है। गाँव के पास जंगली झाड़ियों में बाघों का संचार बढ़ते जा रहा है। गाँव के लोग पास के खेती तथा जंगल से लकड़ी लाने के लिए जाते हैं, जहाँ झाड़ियों में छिपे बाघ उन पर हमला कर देते हैं। इन घटनाओं से परिसर में बाघ की दहशत फैल रही है। बाघ का बंदोबस्त करने की मांग ग्रामीणों ने की है। पिछले वर्षों में वनों को संरक्षित किए जाने से वन्य प्राणियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ने का ही नतीजा है कि अब वे आसान शिकार की तलाश में गांव की ओर रुख कर रहे हैं। काटोल पुलिस ने काटोल पारटसिंगा मार्ग पर की गई कार्रवाई में बिना रॉयल्टी की रेत ले जा रहे 2 टिप्पर को पकड़कर इस कार्रवाई में 4 लोगों को गिरफ्तार कर टिप्पर और रेत सहित कुल 36,60,000 रुपए का माल जब्त कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार काटोल परिसर से पारटसिंगा, जलालखेड़ा, वरुण मार्गे से अमरावती की ओर रेत की ढुलाई की जाती है। काटोल पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान रेत ले जाने की गुप्त जानकारी मिली। पुलिस द्वारा नाकाबंदी करने पर वहां पर 2 टिप्पर को रोककर उनकी तलाशी लेने पर दोनों टिप्परों में रेत नजर आई। पुलिस द्वारा दस्तावेजों की छानबीन करने पर उक्त रेत बिना रॉयल्टी के ले जाने का स्पष्ट होते ही पुलिस ने दोनों टिप्पर रेत सहित जब्त कर लिए। पुलिस ने टिप्पर चालक ओमेश्वर गणपत खंडाते, टिप्पर मालिक ज्ञानेश्वर उर्फ नितेश पुरुषोत्तम बाम्बल, दोनों रोहना तहसील नरखेड़ तथा अन्य टिप्पर चालक आशीष दुधराम शेंडे ITI समीप काटोल व टिप्पर मालिक प्रमोद गुलाब ठोमरे पंचवटी काटोल को हिरासत में लिया गया। इस कार्रवाई में 36 लाख रुपए के 2 टिप्पर और 12 ब्रास रेती कीमत 60,000 रुपए सहित कुल 36,60,000 रुपए का माल जब्त कर लिया। नागपुर बडनेरा मार्ग पर स्थित दहेगांव रेलवे स्टेशन के समीप एक टैंकर रेलवे गेट से टकराने के कारण रेलवे लाइन का मुख्य केबल टूट गया। परिणाम स्वरूप अप व डाउन रेल मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन करीब 3 घंटे तक अवरुद्ध रहा। सुपरफास्ट ट्रेन व मालगाड़ियों को वर्धा पुलगांव बडनेरा समेत अन्य स्टेशन पर ही रोक दिया गया। जानकारी के अनुसार वर्धा पुलगांव रेलवे मार्ग पर स्थित दहेगांव स्टेशन में नायरा एनर्जी आयल डिपो है, जहां प्रतिदिन पेट्रोल व डीजल भरने के लिए टैंकर बड़ी संख्या में आते हैं। कंपनी में जाने के लिए टैंकरों को रेलवे लाइन के गेट को पार करके गुजरना पड़ता है। ट्रेन आने पर रेलवे गेट बंद किया जाता है। बुधवार की दोपहर 1 बजे के दरमियान ट्रेन ने गुजरने का समय होने के कारण गेट बंद कर दिया गया था। ट्रेन के लिए गेट बंद करने के कारण टैंकरों की कतार लग गई थी। ट्रेन गुजरने के बाद गेटमैन ने गेट खोला, परंतु गेट पूर्ण रूप से नहीं खुल पाया। दरमियान टैंकर चालक विट्ठल मोरे नायरा एनर्जी में जाने के लिए निकला, किंतु गेट का हिस्सा नीचे होने के कारण टैंकर से टकराया, जिससे गेट का हिस्सा टूटकर रेलवे की मेन लाइन से जा टकराया। परिणामवश हाई वोल्टेज लाइन पर केबल टूट गया। रेलवे गेट के पास अन्य टैंकर भी खड़े थे। कंपनी का मुख्य द्वार गेट को लगाकर होने से रेलवे की मेन केबल टूटने के बाद भागदौड़ मच गई। टैंकरों को तुरंत रोका गया। गेटमैन ने इसकी सूचना तुरंत दहेगांव के स्टेशन मास्टर व वर्धा रेलवे स्टेशन को दी।
तत्पश्चात नागपुर डीआरएम कार्यालय को भी अवगत कराया गया। इसके बाद गाड़ियों को वर्धा, पुलगांव, बडनेरा व अन्य स्टेशन पर रोकने के निर्देश दिए गए। रात के वक्त सड़कों पर पुलिस की नियमित गश्त देखने को मिल रही है। इसके बावजूद अपराधी प्रवृत्ति वाले लूटपाट सहित अन्य घटनाओं को अंजाम देने में लगे हुए हैं। महिलाओं का रात के वक्त निकलना अब भी मुश्किल हो गया है। इसी तरह की घटना सकरदरा थाना क्षेत्र के सामने हो गई, जिसमें तीन आरोपियों ने मिलकर एक युवक व युवती को लूटने का प्रयास किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व शांति नगर में रहने वाली युवती तनुश्री शैलेश रामटेके व रोहित कोंडलवार मंगलवार की रात में अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तभी उसके पीछे तीन आरोपी आए। आरोपियों ने उसे रोका और गाली गलौज करने लगे। इसी बीच आरोपियों ने रोहित का मोबाइल छीनने का प्रयास किया। रोहित ने विरोध किया तो उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। एक आरोपी ने रोहित की गर्दन और कंधे पर चाकू से वार कर जख्मी कर दिया। तनुश्री घबरा गई और चीख पुकार शुरू की। इसी दौरान आरोपी भाग निकले। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सकरदरा पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपियों के खिलाफ लूटपाट का मामला दर्ज कर जांच आरंभ हो चुकी है। कोरोना काल के बाद जैसे तैसे किसानों ने खरीफ की फसल ली थी। शुरुआत में मानसून के समय पर दस्तक देने और अच्छी बारिश होने से इस वर्ष किसानों को अच्छे उत्पादन की उम्मीद थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अगस्त और सितंबर माह में हुई बारिश से कई इलाकों में बाढ़ आ गई, तो वही कुछ इलाकों में अतिवृष्टि होने से किसानों के खेत में खड़ी फसल पल भर में ही तबाह हो गई, जहां किसानों की सोयाबीन, कपास, तुअर की फसलों को भारी नुकसान, वही फलों की बगीचों को भी काफी नुकसान हुआ है। नागपुर जिले में इस वर्ष संतरा और मौसम्बी को भी भारी नुकसान पहुंचा है। नागपुर जिले में अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण संतरे की 96.75 हेक्टेयर और मौसम्बी की 20.60 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है। वहीं भारी बारिश के कारण संतरे की 7,808 और मौसम्बी का 1,645 हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इससे इस वर्ष फल उत्पादन में भारी गिरावट देखी जा रही है। इस वर्ष किसानों ने कृषि विभाग के खरीफ सीजन के नियोजन की अपेक्षा अधिक क्षेत्र में बुआई की थी। सोयाबीन का क्षेत्र भी काफी बढ़ गया था। किसानों को इस वर्ष अच्छे उत्पादन की उम्मीद थी। अन्य फसलों की तरह फल उत्पादन भी अच्छा होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐन समय पर बारिश के कहर ने किसानों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अन्य फसलों के साथ साथ संतरा और मौसम्बी को भी भारी नुकसान पहुंचा है। जिले में संतरा और मौसम्बी उत्पादन के लिए नरखेड़ और काटोल काफी चर्चित है। यहाँ पर किसान दोनों फलों की खेती पर अधिक जोर देते हैं और यहाँ के किसानों के लिए यह एक नकदी फसल है, लेकिन इस वर्ष भारी बारिश और अतिवृष्टि के कारण इन दोनों तहसीलों में दोनों फलों को काफी नुकसान पहुंचा है। नरखेड़ में 83.10 हेक्टेयर, काटोल में 10.45 हेक्टेयर और कलमेश्वर में 3.20 हेक्टेयर संतरे की फसल को नुकसान पहुँचा है। उसी प्रकार मौसम्बी की फसल को काटोल में सर्वाधिक नुकसान पहुँचा है। यहाँ पर 20.60 हेक्टेयर में मौसम्बी का फसल प्रभावित हुआ है। सुबह के प्राइम टाइम में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार है जारी।